बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद देखिए 233 से बढ़ चुकी है, 237 पहुंच गई है। 900 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, इनमें से कईयों की हालत नाजुक है। कल रात बालासोर एक्सप्रेस की मालगाड़ी से भीषण टक्कर हो गई थी। मौके पर बड़े पैमाने पर राहत बचाव का काम चल रहा है, अभियान छेड़ा गया है, जहां सेना भी बचाव काम में उतर चुकी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स मौके पर हैं और 60 के आसपास एम्बुलेंसेस की अगर बात करें तो उनकी तैनाती है। देखिए हादसा बालासोर के बहांगा के पास हुआ, हादसे की जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो लोग अभी भी फंसे हैं उनको निकाला जाए सुरक्षित, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कई घंटे के बाद लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। और 2012 के बाद ये देखिए सबसे भीषण रेल हादसा है जिसमें 237 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जांच इस पर होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि 3 रेलगाड़ियां इससे प्रभावित, एक मालगाड़ी जो खड़ी थी और बाकी जो 2 रेलगाड़ी हैं, और सबसे ज्यादा जो ये क्षतिग्रस्त और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस जहां लोग हावड़ा से चेन्नई जा रहे थे और उसमें उनकी मृतकों की तादाद काफी है। देखिए जरा तस्वीर, बोगी के ऊपर इंजन चढ़ चुका है, बहुत ही दुखद मंजर है ये। फिलहाल बालासोर में जो यहाँ पर जो मौत का मंजर है, जहाँ पर जो ट्रेन की जो हादसा हुआ है, वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें अहम भूमिका आर्मी की भी देखी जा सकती है। फिलहाल जो मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आर्मी के मेडिकल टीम के जो टुकड़ी है उसके जो अगुवाई कर रहे हैं मेजर अविनाश दास हमारे साथ है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ये मौजूदा हालात किस लिए अहम हो जाता है। सर, हमने देखा कि कल देर रात के बाद आप यहाँ पर पहुंचे, आगे वाले जो हिस्सा है वहां पर लगातार आपके जवान जो है वहां पर कार्यरत है, कितना उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि वहां से लोग जिंदा बच पाएंगे और क्या अंदाजा है अभी भी कितने लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम शुरू में पहुंचे, लाइक हम लोग ऑल द वे फ्रॉम चांदीपुर पीएक्सी एनडीएच वहां से आए हैं, एंड वी आर बेसिकली हम लोग जो सिविल अथॉरिटी है उसको हम बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एज ऑफ नाउ जितने भी इंजर्ड हुए हैं we have been assisting them, so far we have treated around 25-30 injured persons, and main problem aa rahi hai ki jo train ke andar phase hue hain, so our boys we are around 80 to 90 of us and we have been consistently working entire night ke unko wahan se nikala jaye, kyunki ek bar andar dhas gaye hain to jitna andar rahenge utna hi unke bachne ke chances kam hote jate hain, तो इतना कोशिश रह रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको निकाला जाए, एंड इसीलिए सारे अभी मौजूद हैं और भी हमारी फोर्स आई हुई है कि जितना हो सके निकाला जाए, क्योंकि विद ईच एंड एवरी पासेज ऑफ टाइम उतना ही उनका कम होते जा रहा है, अगर जितना अंदर रहेंगे उतना ही बचने के चांसेस कम होते जाते हैं। आई डू अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव्स, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इस मंजर पर आपका यहाँ पर मौजूद रहना कितना अहम हो जाता है, पूरे देश ये समझ रहा है, लेकिन हमें जरा बताइए कि आगे वाला जो 2 बॉगीज है अब तक कितना अंदाजा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिनट दर मिनट डेड बॉडीज जो है वो वहां से निकल रहा है, कितने लोग अभी भी वहां पर फंसे हो सकते हैं, अंदाजा क्या? अभी एग्जैक्टली लाइक मेजर चंक जितना निकलना था इट हैज वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, जितने हम निकालने थे ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, बट एज ऑफ नाउ अभी मैं एग्जैक्टली आपको एस्टिमेट तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट नंबर क्या है।